इन होटलों में देर रात तक उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि इन होटलों में कोई भी निगरानी क्यों नहीं की जाती। होटलों में कई बार रेप हो चुके हैं, कई बार आपत्तिजनक हरकतें हो चुकी हैं, कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर मर्डर तक हो चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। अभी प्लेनेट होटल में ही 2 साल पहले एक लड़की की लाश मिली थी, जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह लड़की ग्वालियर की थी और दोस्तों के साथ यहाँ कमरे में आई थी। सभी ने शराब पिए, उसके बाद उस लड़की की लाश नीचे पड़ी हुई मिली। यह भी सवाल उठा कि क्या उसकी हत्या की गई या उसे फिर गिरा दिया गया या खुद वह कूद गई। यह पूरा मामला भी अभी तक जांच में दबा हुआ है, अभी तक इसके तथ्य सामने नहीं आए हैं। इसके बाद बात करते हैं इंदौर के नशीले क्षेत्रों की। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवक युवतियों को हॉस्टल इलाकों में, खासकर जहाँ पर भंवर कुआं इस तरह के जो इलाके हैं, वहाँ पर नशे की दवाएँ सप्लाई की जाती है, नशीली पदार्थ सप्लाई किए जाते हैं, और उसका नतीजा यह होता है कि नशे में होने के बाद युवक युवतियाँ कई बार ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें सुनकर बेहद आश्चर्य होता है। लूट की वारदातों में भी अब लड़कियाँ शामिल होने लगी है, ये इसी का नतीजा है। नशीले पदार्थ लेने के बाद लड़के और लड़कियाँ राह चलतों को लूटने लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंदौर के आपराधिक क्षेत्रों की। इंदौर के जो रिंग रोड बाईपास विजयनगर से आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात को सुरक्षित नहीं रहता। अगर वो मोबाइल से बात कर रहा है तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। अगर कोई महिला अकेली गुजर रही है तो उसकी चेन झपट ली जाती है। इसी तरह की हरकतें लगातार जारी रहती है। कुल मिलाकर इंदौर में रात का जो माहौल है वह बेहद खतरनाक हो गया है, और देर रात तक शराब पीकर जो लोग गाड़ियां चलाते हैं वे इंदौर के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।